एकदम मैं बहुत मस्त फील कर रही हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब अच्छे से अंदर से ना अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। तो गाइस अभी अर्शिल को जाना है स्कूल, और गाइस सुबह के बज रहे हैं 8:15, ठीक है। मैं 8 बजे उठी थी, फ्रेश हुई हूँ और ब्रश वगैरह करके मैं फ्रेश होकर वीडियो शूट कर रही हूँ। अर्शिल को जाना है स्कूल, और गाइस आज ना टिफिन बनाना नहीं है, क्योंकि अर्शिल बोल रहा है कि वो कैंटीन जाएगा, मतलब स्कूल के कैंटीन से कुछ खाएगा। तो दीदी ने बोला चलो ठीक है, मैं तुझे 100 रुपीज़ दे दूँगी, वो कैंटीन से जो मन चाहे अपना खा लेगा। सो गाइस अभी उसकी बाकी और भी तैयारियाँ करनी होती है ना, बॉटल वगैरह भरना, फिर उसके शू वगैरह पॉलिश करने। वो तो वैसे शू तो अपनी रात को ही पॉलिश करके सोता है, तो वैसे मैं आपको उसको भेज के आपको मिलती हूँ। दीदी तो अश्विन को छोड़ के आ गई है, और चाय हमारी बन गई है। भैया को आज जाना है बहुत दूर वाले होटल में, भैया निकल जाएंगे। पर गाइस आज ना भैया ने ऑर्डर करा है कि आलू के पराठे कल इतने टेस्टी बने थे कि उन लोगों ने, मतलब वहाँ पे जो है ना हमारे बंदे, उन लोगों ने ऑर्डर करा है कि भाभी को बोलना आलू के पराठे बना के लाने के लिए। तो भैया ने ऑर्डर दिया, दीदी इसीलिए लगी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही दीदी आलू के पराठे, नहीं ये ना गाइस मिस्से पराठे बनाइए आलू वाले, अपनी बंदी दीदी एक बार देखियो कैसे हो, फिर अच्छे हो। ये नमक बताओ अपने, ये आटा लगा रख दिया, और ये दादी ने आलू छिल रही है, और ये मसाला करके रखा हुआ। दादी 70 साल की है, 70 साल की दादी है गाइस ये। तो गाइस अभी भैया निकल रहे हैं, इनकी तैयारी में अभी सब लोग लगे हुए हैं। गाइस लीजू ले रही है ज़िंदगी के नज़ारे बाहर बैठ के बैलकनी में, बैठने का तरीका देखो लड़की का। ये रहा ये नज़ारे देखती रहती है ऑल टाइम ये। और भैया की चल रही है पैकिंग, घर की हालत आप देख सकते हो क्या है, पूरी पैकिंग चल रही है जोरों शोरों से। भैया निकल जाएंगे होटल में। केम छो मजा मा मैं नहीं बताऊंगा, खास की जवाब दिया। और दीदी ये तो कर रही है उनको भेजने में तैयारी, भेजने की तैयारी, और ये इनका तो काम एक ही है, छोड़ो इनकी बात। से पराठे बनाकर दीदी ने कर दिए पैक, आलू वाले पराठे बाकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आलू वाले पराठे आटा और बाकी मिस्से पराठे बना के रेडी कर दिए बंदे ने इसके अंदर। हमारी दादी देखो भांडे मांज रही हैं। भैया तो खाना लेके जा चुके हैं, और गाइस लेकिन भैया अभी वापस से आ रहे हैं। मैं मतलब ऑर्डर मतलब दिया कि मसाले वाला करेला, मतलब भरा हुआ करेला बनाने के लिए, ठीक है। दीदी ने फटाफट फ्रिज में पड़ा हुआ था निकाला, और अभी बना रही मैं, मतलब गाइस सुबह से ना मतलब समझ लो खाना ही बनाए जा रहे हैं। देख ये रही अपनी बंदी जो बना रही है खाना, करेला भरा हुआ। दीदी ठीक हो? तो गाइस अभी दीदी को जाना है नानी घर थोड़ा काम से, तो दीदी को भैया लेने आ रहे हैं दाल, और वो करेला लेके निकलेंगे दोनों, और दोनों अभी निकलते हैं। निकल के अभी अर्शवी भी गाइस आने ही वाला है, थोड़े से टाइम में आ जाएगा। गाइस भैया आ रहे हैं रास्ते में, दीदी फटाफट पैक करके निकल रही है, दोनों को चले जाने दो, नहीं जानता स्कूटरी खड़ी है। तो गाइस मैं दोनों को भेज के मैं आपको मिलती हूँ, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। गाइस फाइनली दीदी और भैया तो गए, अभी मैं यही बालकनी में देख रही थी गाड़ी गई उनकी। और सबसे बड़ी बात है कि आज इतना काम था ना गाइस, भैया ने ऑर्डर दिया था कि ये आलू के पराठे और वो तुम्हारे मिस्से वाले बेसन के पराठे और वगैरह वगैरह, वो करेला मसाला भर के, और फिर दाल, मतलब सब कुछ घर से खाना बन के आज होटल में गया है, ठीक है। तो अभी गया, अभी दीदी को फिर बीच में नानी घर भी जाना था, काम था, तो सब सामान वान लेके अभी लोग सब लोग निकल गए। गाइस आज तो सच में जितना मैं फ्रेश फील कर रही थी ना उठ के, उतना ही मैं अभी टायर्ड हो चुकी हूँ। अभी भी गाइस अभी थोड़ा बहुत घर समेटना बाकी है, अभी तो वो गए, अब मैं लगती हूँ धीरे धीरे घर वगैरह समेटती हूँ। और मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया था कि गाइस वो आ रही है, तो उसके आने से पहले मैं थोड़ा घर वगैरह समेट लेती हूँ। और अर्शवीर भी स्कूल से आ गया है, तो दीदी तो जब घर पे थी मतलब निकलने वाली थी, तब तो अर्शवीर भी आ गया था स्कूल से, उसका भी खाना पीना वगैरह हो गया है। यार गाइस
पूछो ही मत, इतना ये हमेशा गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती है। और पास में ना गाइस एक भगवान जी का मंदिर है शिव जी का, तो वहाँ पे ना आज कोई कीर्तन वगैरह हो रहा है, तो कोई आंटी लोग कीर्तन वगैरह कर रही है, उनका भी आवाज़ आ रहा है बहुत। मतलब आउटसाइड म्यूजिक बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उधर तो पूरा घर वगैरह गंदा पड़ा, वो सब समेटना है। सहेली का फ़ोन आया था, वो आ रही है मेरे से मिलने के लिए, उसका एक्चुअली इधर पे ट्यूशन है, तो वो ट्यूशन करेगी करके गाइस मैं थोड़ा फ्री होकर मैं आपको मिलती हूँ। गाइस फाइनली मेरा सारा काम हुआ कंप्लीट, मतलब पूरा सब कुछ हुआ फिनिश। और मेरी दोस्त आई है, आप देख सकते हो, ये रही मेरी दोस्त। हाय गाइस। और ये आई आज मुझसे मिलने, अभी ये 4 बजे चल जाएगी ट्यूशन। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता था, ये रहा अर्शवीर। गाइस ये देखिए, ये तो मैंने अपने दोस्त के लिए काटा है स्टिकर सिद्धू से वाला का, और मेरे पास अभी 4 पत्ते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। तो गाइस ये आइए मेरे से मिलने, 4 बजे लड़की चली जाएगी। और अभी तक तो मैंने फाइनली सारा काम कर लिया, सब फिनिश हो गया। दीदी गई, दीदी आएगी शाम तक, और तब तक हम करते थोड़ा इंजॉय। गाइस अश्विर देख रहा है पंजाबी मूवी, आप देख सकते हो, दिखाती हूँ। बीबी और सेल्फी खींच रही है स्नैपचैट पे। अच्छा गाइस देखो इसकी मूवी चल रही है। गाइस मूवी देखना मुझे भी बहुत पसंद है, तुझे मूवी देखना पसंद है क्या? हाँ? कौन सी नहीं देखता आजकल, मतलब किसी किसी को ना ज़्यादा पसंद नहीं था, जैसे मुझे बहुत पसंद है घोस्ट मूवीज देखना और ये हॉरर स्टोरीज वगैरह, वो भी रात को ज़्यादा मुझे मतलब अच्छा लगता है देखने में, अकेले में अंधेरे में डर भी लगता है और उस टाइम में फीलिंग भी बड़ी अच्छी वाली आती है, इंजॉय वाली। सपने में भूता की डरा देगा ना, तो अच्छी सी मजा आएगा। नहीं आएगा यार, मुझे ऐसे ही मजा आता है। गाइस इसको पंजाबी देखना पसंद है, ये कॉमेडी पंजाबी मूवी देखती है, और मैं देखती हूँ वेब सीरीज घोस्ट वाली या फिर हमारा वो हॉरर स्टोरी। वैसे भी अभी तो कलर्स पे एक शो आता है रात को 9:30 बजे के, 9:30 बजे आई थिंक, बिग बॉस सीजन 16 तो मैंने पूरा देखा था। MC Stan बना था विनर, अभी इस बार का मुझे पता नहीं, हमारी शिफ्टिंग हुई थी ना, तो हमारी टीवी अभी भी उसी वाले घर पे पड़ी है, और अभी बस थोड़ा बहुत देखते हैं मोबाइल पे। तो अभी बिग बॉस भी मस्त अच्छा वाला चल रहा है, मतलब सुनने में आया है कि इस बार का भी सीजन अच्छा ही चल रहा है। तू क्या देखती है भाई? मैं तो बिग बॉस, मैं तो हॉटस्टार पे एक जो हॉटस्टार स्टार प्लस पे एक सीरियल आता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाते हैं, अरे बाप रे कितना पुराना सीरियल देखती है लड़की, उसका मुझे एक एक एपिसोड देख चुका है अभी तो, वो मतलब पुराना खत्म हो गया नया से स्टार्ट हो रहा है। शर्मा है पर मैं इसको महकी बुलाती हूँ, ठीक है, महकती है। कुछ भी। तो गाइस महकी अभी भी ना पुराने ख्यालात में इंजॉय कर रही है, अभी 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 का ख्याल में ये लड़की अभी भी रिश्ता क्या कहलाता है देख रही है, अभी सीजन 17 चल रहा है बिग बॉस। है वो, हाँ वैसे अच्छा तो है बट मैं देखती नहीं, मुझे आई डोंट लाइक सीरियल्स, ये दिमाग ख़राब करते हैं। दीदी भी सीरियल बहुत देखती है गाइस, बट एक चीज़ है सीरियल देखने से अपना मास्टर माइंड तेज होता है, बट मैं नहीं देखती, आई डोंट लाइक सीरियल्स। सीरीज देखती हूँ, मूवीज़ देखती हूँ, हॉरर स्टोरीज घोस्ट मूवीज जब भी मैं देखती हूँ हमेशा, मुझे वही सब पसंद है। और ये लड़की तो भी रिश्ता क्या कहलाता है पंजाबी मूवी क्या कहलाता है ये सब देखती है। और गाइस अर्शवीर तो हमेशा गैंगस्टर मूवीज देखता है, सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग सुनता है, उसके फ्रेम्स वगैरह मंगवा रखे हैं, उसके स्टिकर्स मंगवा रखे इस लड़के ने, मतलब सिद्धू। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। वाले को इतना लाइक करता है ना ये, उसका बहुत बड़ा वाला फैन है, ये बहुत बड़ा वाला फैन है सिद्धू मूसे वाले का ना, बहुत बड़ा वाला। आई थिंक ये सिद्धू मूसे वाले से ही शादी करना है। क्या बोला तूने? लड़के से शादी करेंगे। और गाइस मुझे तो ना वो हार्डी संधू नहीं, वो अपना सिंगर हार्डी संधू बहुत पसंद है, बहुत दोस्त है, बहुत पसंद है मुझे।
मुझे वो हाड़ी संधू उसके पंजाबी सॉन्ग्स वगैरह उसके बहुत पसंद है। अगर हिंदी कैरेक्टर में जाना जाए तो टाइगर सर, और अगर पंजाबी में जाना जाए तो हाड़ी संधू। ये दोनों को मैं बहुत लाइक करती हूँ, बहुत अच्छे हैं। तू बता भाई अपना। मुझे एमी विर्क पसंद है पंजाबी सिंगर्स में से, और हिंदी सिंगर्स की बात करो तो हिंदी में मुझे अभी तक कोई पसंद नहीं। रिश्ता क्या कहलाता है, अक्षरा, नायरा, शिवांगी जोशी। अरे सीरियल में तो वो भी अक्षरा ही है ना, नायरा उसकी बेटी, अक्षरा की बेटी। फिर तुम्हारा और कौन कौन था यार, नैतिक। और मैं तो पुराना देखती हूँ। तो पुराना में ही थी ना, अक्षरा थी और नैतिक था, उसकी बेटी थी वो नायरा, और पता नहीं नक्ष उसका बेटा था। मुझे सबसे ज्यादा उसमें शिवांगी जोशी है। इसका मतलब इस सीरियल देखती है। चलो अच्छा है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो गाइस हॉरर स्टोरीज देखती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। रात को मैं 3 बजे तक मूवी देख रही थी, 1920 तुम्हारा रिटर्न। ठीक है तो पुरानी मूवी, बट मैं देख रही थी, मुझे मजा आ रहा था। फर्स्ट मूवी साइड लाइक सैड गाइस। 4 बजने वाला है, ये लड़की अब जा रही है मेरे को छोड़ के। अब ये जाएगी ट्यूशन पढ़ने, और फिर उसके बाद तो ये चली जाएगी, फिर वापस आएगी नहीं। मैं उसको बोलती हूँ तू आ जा, अगर वापस ट्यूशन पढ़ के तो आती नहीं है, भाव खाती है ज़्यादा। कोई बात नहीं, अच्छा मैं भाव खाती हूँ, बहुत ज़्यादा भाव खाती हूँ। आप मुझसे मिलने नहीं आती हो? अरे यार मेरे को तेरा घर नहीं पता ना, इसीलिए कभी आऊँगा। घर तो खुद का आता है, इतना तो आसान सा घर है मेरा। मेरे को नहीं पता तेरा घर, कोई आऊँ मेट्रो में चलो मेरे साथ, आऊँगी कभी, टाइम निकालना पड़ेगा इसको, बिकॉज आई एम द बिजी पर्सन। दुनिया का बिजीएस्ट पर्सन यहाँ बैठा है आपके सामने, देख लीजिए इसको। सो गाइस मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, ये लड़की जा रही है मेरे को छोड़ के। अब लड़की को मैं विदा थोड़ी कर रही हूँ, रोना धोना करूँगी। लड़की मेरे को छोड़ के जा रही है गाइस, ये विदा है, ये मम्मी है ना, इसको विदा कर दो, विदा। अरे यार ये क्या है यार, मैं छोड़ कर मैं भी छोड़ के चले जा रही हूँ। इसका कान खींचो गाइस, इसके बाल देखे ना, इसके बाल। तो गाइस अभी इसका ट्यूशन का टाइम हो गया, ये जा रही है, आपको मिलती हूँ फिर थोड़ी देर। गाइस दीदी का कॉल आया था कि वो आने वाली है, शाम हो चुकी है, शाम को बज रहा है गाइस 7 बज चुका है। वो लड़की वो तो चली गई थी, उसके जाने के बाद मैंने जो काम मेरे पड़े थे समेटने को वो मैंने समेटे, फिर उसके बाद दीदी का कॉल आया कि मैं आ रही हूँ। तो मैंने चाय बना के रख लिया, आर्ट्सवीर के मैथ वाले सर आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, चाय मैंने बना के रख लिया है। तो फिर गाइस ये देखो मेरा चाय मैंने बना ली, और अर्शवीर के सर आए हैं गाइस, आपको दिखाती हूँ। इसका तो काम ही है दादी जी, और ये देखो लड़की सोई है, इसका तो काम ही है। मैं लड़की हूँ तो बन बोला। सर आए हैं, सर अर्शवीर को पढ़ा रहे गाइस। तो गाइस अभी तो अर्शवीर कर रहे हैं पढ़ाई, और दीदी आ रही है रास्ते में है, तो फिर उसको करने देते हैं पढ़ाई, क्योंकि गाइस अभी एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो नो डिस्टर्बिंग। सो उसको करने दो पढ़ाई, और दीदी के आने का वेट करते हैं, वो आएगी तो फिर एक साथ बैठ के चाय वगैरह पियेंगे। गाइस दीदी आ गई, मैं चाय भी ले आई गर्म करके, और अर्शवीर के सर चले गए, मैं आपको दिखाती हूँ अर्शवीर के जाने के बाद ये क्या, मतलब सर के जाने के बाद क्या हरकतें करता है ये। ये रहे ये देखो 24 घंटे गाइस, आप ब्लॉग में भी देखते होगे, जब देखो तभी मोबाइल लेके बैठा रहता है गाइस, ये तो हर टाइम फोन देखती है। और ये रही दीदी हमारी चाय, हम चाय पी रहे हैं। और ये गाइस ये जो किताबें हैं ना, ये सब मैंने समेटी है अभी, ये कुछ नहीं समेटता ये। तो हम पीते हैं अब चाय, चाय पी के फिर मैं आपको मिलूंगी। गाइस अर्शवीर तो बोला मैं पढ़ाई करूंगा नहीं, क्योंकि हाँ उसके सर तो पढ़ा के चले गए थे, चाय पीना होगा था हमारा,
काफ़ी टाइम पहले हो गया था, तो अभी दीदी बोल रही कि टाइम से ना अपन खाना खा ही लेते हैं, रात को बज चुका है सही 10:30, तो खाना वाना खा के ख़त्म करते हैं काम। ये देखो लीजू खाना खा रही है, तो खा के इसने तो प्लेट भी खाली कर दिया। लीजू चिज्जी अभी खाने में बिजी है अपनी बंदी। और गाइस दीदी ने बोला चलो खाना टाइम से खा लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि नानी ने भेजा था ना जीरा राइस। ये देखो दीदी कि मैं मम्मी का हाथ का खाना कैसा लग रहा है, बहुत टेस्टी कि मैं लग गया चावल अच्छा एकदम। और गाइस ये देखो हमने बनाया था सुबह करेला मसाला खाना, तो गाइस हमारा बना हुआ था, तो इसीलिए सोच रहे टाइम से खा पी के अपना फ्री होते हैं, फिर तो इसके बाद में आपको गाइस हमारा खाना पीना हुआ कंप्लीट और टाइम से, क्योंकि खाना वाना बना हुआ था ना, तो भैया तो चले गए हैं होटल, अब वो सीधा एक वीक 1 वीक के बाद आएंगे, तो खाना पीना सब हो गया कंप्लीट, अभी टाइम से एकदम फ्री बैठे हैं। अभी सारे जन बैठ के ना हम बातें बातें कर रहे हैं, हमारी बड़ी दादी ने हमें पूरा टाइम से बातें बातें सुना रही हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी गाइस ये लगा के ना मतलब यहाँ दुखने लग जाता है और यहाँ भी, तो मैं आपको दिखाती हूँ बड़ी दादी। ये देखो दीदी बैठी है, दीदी हाय। आर्शवीर मोबाइल में घुसा हुआ है और दादी जी हमारी मम्मी गाइस अभी करते हैं बातें बातें। हेलो गाइस, आज सारा दिन आपसे भेंट नहीं हुई क्योंकि मैं बाहर गई थी थोड़ा काम से, थोड़ा काम भी था, थोड़ा बहुत टायर्ड हो गई हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने गाइस। सो गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट गाइस। सो हे गाइस फाइनली तो मैं जा रही हूँ सोने और टाइम गाइस रात को बज चुका है 12 और अभी घर पे सभी सो गए थे, बातें बातें कर रहे थे हम, तो इसलिए हमें टाइम हो गया। दादी भी सो गई है, सभी सो गए हैं, हर्षवीर तो पूरा सो गया, हम देख सकते हो नहीं दिखेगा आई थिंक, सभी सो गए हैं, सिर्फ अभी मैं ही जगी हूँ और मेरी लीजू जगी है, तो बस अभी हम दोनों जा रहे हैं सोने। आई होप गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आए, तो गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे आने वाले ब्लॉग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट।